मई महीने की भक्ति का दूसरा दिन, मानव मुक्ति योजना में माता मरिया का सहयोग। प्रारंभ में ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की, उसे यह अच्छा लगा। ईश्वर ने प्रथम मानव अर्थात आदम की भी सृष्टि की और उसे अदन वाटिका में रखा, जिससे वह वहां से सारे सुखों का उपभोग करे। ईश्वर ने देखा कि आदम के लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं है, इसलिए ईश्वर ने आदम की फसली से ही एक स्त्री को गढ़ा और उसे आदम को सौंप दिया, जिसका नाम आदम ने हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस कारण उनका पतन हुआ। लेकिन ईश्वर दयालु और करुणामय है। उसने मानव को मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञा की कि वह एक मुक्तिदाता को इस संसार में भेजेगा। मुक्तिदाता यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु द्वारा समस्त मानव जाति को मुक्ति दिलाई, इसलिए ईश्वर ने उनकी माता मरिया को सर्वोच्च स्वर्ग में वह पद प्रदान किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। माता मरिया इतने महान पद की अधिकारिणी होते हुए भी अत्यंत दीन एवं विनम्र स्वभाव की थी। उसका जीवन एकदम सरल था। वह शांत एवं सौम्य स्वभाव की थी। वह ईश्वरीय कृपाओं से परिपूर्ण होकर संतों में सर्वश्रेष्ठ थी। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पवित्र और निर्मल जीवन जीती थी। हमें भी माता मरिया का अनुसरण करते हुए भला जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर का सामीप्य पाने के लिए धन दौलत, वैभव, सुंदरता आदि की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीजों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें तथा इन सब का सदुपयोग कर ईश्वर को धन्यवाद दें। दृष्टांत: ऐसे अनेक लोग धर्मी लोग हैं जिन्होंने संसार में रहते हुए भला और पवित्र जीवन व्यतीत किया और संत बन गए। उन्हीं में एक संत है जिसका नाम बर्नादेत है। वह फ्रांस देश के लूर्द नामक शहर में रहती थी। वह हृदय से नम्र और विनीत थी। बर्नाडेट का जन्म 7 फरवरी 1844 में हुआ था। उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे, इसलिए बर्नाडेट अपने धर्म माता पिता के साथ रहती थी। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वह प्रायः बीमार रहती थी। वह अपनी प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर के ध्यान में लगी रहती थी। उसकी मुख्य प्रार्थना थी, हे निष्कलंक मरिया, हम तेरी सहायता के अभिलाषी हैं, तू हमारे लिए प्रार्थना कर। उसकी निर्मलता, दीनता और शुद्धता के गुण देख ईश्वर एवं माता मरिया अत्यंत प्रसन्न हुए और मरिया के निष्कलंक गर्भगमन के महान रहस्य की सच्चाई का प्रचार करने हेतु उस दीनहीन कन्या का चयन किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग में प्रवेश पाने हेतु धन और सम्मान की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हृदय की दीनता। ईसा मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो मन के विनीत हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रार्थना: हे हमारी माता मरिया, स्वर्ग की महारानी, हमारा मार्ग प्रदर्शन कर कि हम तेरे पद चिन्हों पर चल दीनहीन तथा विनम्र स्वभाव धारण करें। अपनी छवि हमारे हृदय पटल पर अंकित कर, जिससे हम भी संत बर्नादेत के समान
तेरे विनम्र सेवक बन तेरी सेवा कर सके तथा स्वर्ग पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। आमीन। आइए आज हम सब अपने परिवारों में आनंद के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए माला बिनती बोले और सारे संसार में आज जो कोरोना महामारी की परिस्थिति निर्माण हुई है उसके जल्दी रोकथाम के लिए प्रार्थना करें।